नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक और नई जानकारी लेकर आए हैं। जिसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह ब्लैक राइस है। वैसे तो सबसे पहले काले चावल की खेती शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन भारत में सबसे पहले काले चावल का उत्पादन मणिपुर और असम राज्यों में की गई। वहीं अब देश के कई हिस्सों में इसकी खेती होती है। इसका आकार चावल की अन्य किस्मों की तरह ही होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काले चावल के हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। काले चावल में चाय और कॉफ़ी की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा अधिक होती है। यही वजह है कि इसके खाने से स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों में लाभ मिलता है। अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से यह बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में भी काफ़ी फायदेमंद है। वहीं सफ़ेद और ब्राउन राइस की तुलना में इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज और जिंक जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सफ़ेद या ब्राउन राइस की तुलना में इसकी कीमत भी अधिक मिलती है। यह सामान्य तौर पर 200 से 500 रुपये प्रति किलो बिकता है, जबकि सामान्य चावल 20 से 80 रुपये प्रति किलो बिकता है। और जैविक तरीके से उगाए गए काले चावल की कीमत लगभग 500-600 रुपये तक मिल जाती है। काले चावल की पैदावार अन्य किस्मों की तुलना में कम होती है। जहां एक एकड़ में सामान्य चावल 20 से 25 क्विंटल होता है, तो वहीं काले चावल की पैदावार 10 से 15 क्विंटल ही होती है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से काला चावल उगाते हैं तो आपको इसकी कीमत अधिक मिलती है। इसकी खेती धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, इसी वजह से हर साल लगभग इसका रेट भी कुछ कम होता रहता है। यदि आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे सामान्य चावलों की खेती होती है, वैसे इसकी भी होती है। यदि आपको बीज इसके नहीं मिल पा रहे हैं तो यहाँ से संपर्क करें और जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से भी इनके बीजों को खरीद सकते हैं और बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी खेती के लिए नर्सरी लगभग जून के पहले सप्ताह में ही तैयार की जाती है और यह नर्सरी जून के अंत में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसकी रोपाई कर देते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे।